Hello everyone, in this video we will again be discussing about lines and angles. This is the second part of the video. हम कुछ points पहले वाली video में discuss कर चुके हैं और कुछ remaining points हम इस वाली video में detail में discuss करेंगे. इस वाली video को समझने से पहले पहली वाली video को देखना काफी important है. तो हम यहाँ पे वो angles discuss करेंगे जो कि दो parallel lines और transversal के cut होने से form होते हैं. So बात आती है angles made by the transversal when two lines are parallel. हम यहाँ पे वो वाले एंगल्स डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांसवर्सल से फॉर्म हो रहे होंगे, वो भी तब जब दो लाइंस पैरेलल होंगी. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होती है. सपोज ये दो लाइंस हैं, अगर मैं इन लाइंस को आगे और पीछे कितना भी प्रोड्यूस कर दूं तो ये कभी मीट नहीं होंगी. तो ऐसी लाइंस जो कभी आपस में नहीं मिलती और जिनके बीच में इक्वल गैप चलता रहता है वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस. अब बात आती है ट्रांसवर्सल की. अगर मैं इन दोनों लाइंस को ऐसे कट कर दूं एक अलग लाइन से किसी भी एक या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मींस ट्रांसवर्सल वो लाइंस होती है जो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकलती है एक या एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर. तो इस टाइप के एंगल्स हम आज स्टडी करेंगे जो कि दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से होके जा रहे होंगे, जो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी और उससे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे, आज हम उन एंगल्स के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीरियर एक्सटीरियर, सपोज ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री हो गया, ये एंगल फोर हो गया, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और ये एंगल एट. इस पैरेलल लाइन को मैं लिख लेती हूँ एल, इसको मैं लिख लेती हूँ एम और ट्रांसवर्सल का नाम मैं रख देती हूँ एन. तो जो पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और फिर हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. तो जो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स होते हैं, मींस इन, वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स. जैसे एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स तो हो गए इंटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर मींस बाहर वाले जो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे मींस बाहर हैं वो हो गए हमारे एक्सटीरियर. जैसे वन टू सेवन और एट, तो हम इसको लिख लेंगे इंटीरियर के लिए इंटीरियर एंगल्स हमारे हो गए हैं एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव और एंगल सिक्स. जब बात आएगी एक्सटीरियर एंगल्स की तब भी हमारे चार एंगल्स हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन एंड एंगल एट. एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन, एंगल एट, ये है हमारे कौन से एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए हैं. इसके बाद आती है ऑल्टरनेट एंगल्स की बात. ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट में भी दो तरीके के हैं, एक इंटीरियर होते हैं और एक एक्सटीरियर होते हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर वाले, या हम इनको ये भी कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एक पेयर है एंगल थ्री और एंगल सिक्स, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, और दूसरा पेयर है एंगल फोर एंड एंगल फाइव, एंगल फोर एंड एंगल फाइव. या कह सकती है जो एंगल थ्री है ये एंगल सिक्स के इक्वल है और ये जो एंगल फोर होता है ये हमें हमेशा एंगल फाइव के इक्वल होगा. मतलब अगर यहाँ पे मेजर भी दे रखा हो 20 डिग्री तो ये भी 20 हो जाएगा और यहाँ पे जितना मेजर दे रखा होगा ये भी एंगल उतने ही मेजर का हो जाएगा. और रीजन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो क्रिस क्रॉस होते हैं अंदर की तरफ, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव. और अगर पेयर लिखने के लिए पूछो तो क्या लिख दिया, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, एंगल फोर एंड एंगल फाइव. तो ये एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स हो गया और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव हो गया. अब बात आती है एक्सटीरियर वाले, एक्सटीरियर वाले एंगल्स की, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो भी कौन से, एक्सटीरियर. तो एक्सटीरियर वाले में इंटीरियर एंगल्स का कोई भी रोल नहीं है. एक्सटीरियर मींस बाहर वाले, तो एंगल वन एंगल एट के इक्वल हो जाएगा और एंगल टू एंगल
सेवन के इक्वल हो जाएगा. तो एंगल वन एंड एंगल एट एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर एंगल टू एंड एंगल सेवन हो गया. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एट, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सेवन. तो जिस तरीके से इंटीरियर थे उसी तरीके से यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स भी ऑल्टरनेट वाले इक्वल होते हैं. इंटीरियर वाले में सिर्फ अंदर की बात करेंगे और एक्सटीरियर वाले में हम बाहर के एंगल्स की बात करेंगे. इसके बाद आती है ऑल्टरनेट एंगल्स के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स corresponding angles means एक छोड़कर एक, एक एंगल को छोड़ के दूसरे वाला एंगल. अब जैसे वन है हम थ्री वाले को छोड़ देंगे फाइव, तो ये जो वन और फाइव है ये आपस में इक्वल होंगे, और ये जो थ्री और सेवन है ये भी आपस में इक्वल होंगे. तो एक पेयर तो हो गया एंगल वन एंड एंगल फाइव, दूसरा पेयर हो गया एंगल थ्री एंड एंगल सेवन. ऐसे ही राइट साइड में एक पेयर हो गया एंगल टू एंड एंगल सिक्स, और एक पेयर हो गया हमारा एंगल फोर एंड एंगल एट. ये सारे एंगल्स एक छोड़कर एक है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, और इनको किस उससे रीजन से बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इसको हम क्या भी लिख सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन है, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स है, और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट है. ये थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स को हम ये भी बोलते हैं, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर. ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल, और इंटीरियर मींस अंदर वाले. तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर अंदर वाले, एक तो थ्री और फाइव हो गया, और एक क्या हो गया फोर एंड सिक्स हो गया. तो इनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है. एक पेयर हो गया थ्री एंड एंगल फाइव, और दूसरा पेयर हो गया हमारा एंगल फोर एंड एंगल सिक्स का. तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ थ्री एंड फाइव, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, कैसे ट्रांसवर्सल की एक साइड इधर हो गई और ट्रांसवर्सल की एक साइड इधर हो गई है, और होने भी क्या चाहिए, इंटीरियर चाहिए. तो एक तो ये वाले दोनों हो गए और एक ये वाले दोनों हो गए, तो इनका सम भी किसके इक्वल होता है, 180 के. तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो गया 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया. तो ये जो सेम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ये भी क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है. और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं. तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स की बात की, एक्सटीरियर एंगल्स की बात की, उसके बाद हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और फिर को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इससे पहले वीडियो में हम लोग लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको हम शॉर्ट में इस वाले फिगर के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं. जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती थी तो जो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स थे आमने सामने वाले वो हमेशा इक्वल होते थे. यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करूं, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स का पेयर हो जाएगा, एंगल वन एंड एंगल फोर. तो जो एंगल वन है वो एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा. एंगल टू और एंगल, क्योंकि ये दो लाइन्स आपस में कट कर रही है, तो इसके जो ऑपोजिट ये पेयर है एंगल्स का, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरीके से नीचे के दोनों पेयर्स भी इक्वल हो जाएंगे. एंगल फाइव एंगल एट के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सिक्स एंगल सेवन के इक्वल हो जाएगा. तो ये था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. अब यहाँ पे हम लीनियर पेयर का भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार. लीनियर पेयर
इस वाली फिगर के थ्रू। लीनियर पेयर मींस स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए और पेयर ऑफ एंगल भी होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं तो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री। लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होता है इसलिए हम उसको 180 के इक्वल लिखते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 180 डिग्री के इक्वल। एंगल 7 और एंगल 8 ये भी 180 डिग्री। अगर हम इस तरीके से देखें 1 एंड 3 ये वाले आपस में ऐसे 1 3 2 4 5 7 6 8 ये भी लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 2 क्योंकि वो भी पेयर है और वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इस तरीके से भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 7 ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। और एंगल 6 प्लस एंगल 8 ये भी आपस में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो ये थे सारे लीनियर पेयर इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम उस गिवन एंगल अननोन एंगल को निकाल सकते हैं गिवन एंगल के थ्रू। तो ये बात रही लीनियर पेयर की। अब दो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने रह गए हैं। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने तीन एंगल्स बना दिए, ये एंगल एक्स है या मैं इसको लिख लेती हूँ वन, ये एंगल टू है और ये एंगल थ्री है। यहाँ पे मैंने तीन एंगल्स बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि चार बना दूं, ऐसा भी हो सकता है मैं इस लाइन के ऊपर पांच बना दूं, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना दी मैंने, ये थ्री वाला मान लिया ये वाला फोर मान लिया, तब ये फोर एंगल्स हो गए। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा, जैसे डी देखा है ना, डी में क्या होता है, डी में भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर जो एंगल्स असाइन किए होते हैं उनके मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स की बात करेंगे और उनका सम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और जब भी हम किसी पॉइंट के अराउंड, सपोज ये पॉइंट है और इसके अराउंड मेरे पास कुछ एंगल्स हैं, ये कुछ एंगल्स हो गए, मान लिया एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, ये एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव और ये एंगल सिक्स हो गया। तो एक पॉइंट के अराउंड जब भी हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, अराउंड मीन्स वो पूरा सर्कल बन जाता है, ये हाफ में तो सेमी सर्कल होता है तो हाफ में तो 180 डिग्री होता है, और जब कंप्लीट पूरा राउंड हो जाता है मीन्स कितना हो जाता है, यहाँ पे तो 180 डिग्री की बात थी, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 होता है। जब भी पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स का सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थी बात एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड अराउंड द पॉइंट की बात। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था डिस्कस करने के लिए, हमने सारे मेन पॉइंट्स अपनी दोनों वीडियोस में कवर कर लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करें। And if you have any query, then you can ask the question in the comment section. We will discuss it later on in the question answer session. So thank you all.